morning to all of you. Today, news that Prime Minister Narendra Modi announced that lockdown dates will be increased up to 3 May. So, I therefore request you to stay at home and support our nation. Now, we teach maths of chapter 1. And that chapter's name is real number. In your previous class, we read about real numbers. So now we tell that real numbers are of two types. Real number are of two types. Real number are of two types. फर्स्ट रेशनल एंड सेकेंड इरेशनल। रेशनल नंबर के बारे में पहले हम जानेंगे रेशनल नंबर क्या होता है। या प्रीवियस चैप्टर में इसको पढ़ चुके हैं, फिर भी हम इसको एक बार रिवीजन टाइप के देख लेते हैं। रियल नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं? रियल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। फर्स्ट वी नो अबाउट रेशनल नंबर्स। ए नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ए नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जो p upon q के फॉर्म में हो, इट मींस फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, दैट्स नंबर आर सेड टू बी रेशनल नंबर। ए नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p upon q, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, दैट्स नंबर आर सेड टू बी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिव और रेकरिंग। रेशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिव और रेकरिंग। इट मीन्स दैट टर्मिनेटिव रेशनल नंबर के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे टर्मिनेटिव नंबर क्या होता है। डिजिट विच एंड्स आफ्टर डेसिमल, वो डिजिट जो एंड हो जाते हैं आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिव नंबर। जैसे यहाँ देखिए 1.43, ये पूरी तरह से कट चुका है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिव नंबर, क्योंकि डेसिमल के बाद ये डिजिट का एंड हो चुका है, दैट्स नंबर आर सेड टू बी टर्मिनेटिव नंबर। और ये देखिए, इसके बाद हम देखेंगे रेकरिंग नंबर क्या होता है। रेकरिंग किसको बोलते हैं? रेकरिंग 1.43 43 43, डॉट डॉट डॉट, इट मींस दैट्स इस डिजिट्स आर रिपीटेड आफ्टर डेसिमल, सेम डिजिट आर रिपीटेड आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद सेम डिजिट रिपीट हो रहा है। देखिए 43 43 43, सेम डिजिट आपका क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, इसको बोलते हैं रेकरिंग। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? रेकरिंग। रेकरिंग का देखिए साइन ऐसे देते हैं ऊपर से। नोट में हमने दिया ऑल टर्मिनेटिव एंड रेकरिंग नंबर आर रेशनल नंबर। ऑल टर्मिनेटिव एंड रेकरिंग नंबर आर रेशनल नंबर। जितने भी टर्मिनेटिव नंबर होते हैं, जो नंबर इस फॉर्म में होंगे या वो नंबर इस फॉर्म में होंगे, ये सभी क्या होंगे? आपका रेशनल नंबर। ठीक है, नाउ वी रीड अबाउट इरेशनल नंबर। ऑल नॉन टर्मिनेटिव एंड नॉन रेकरिंग नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। जितने भी आपका नॉन टर्मिनेटिव नॉन रेकरिंग, वो कभी भी पी अपॉन क्यू में नहीं हो सकते, कभी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकते, इसीलिए वो क्या होंगे? इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल लेते हैं 1.01001001, ये देखिए ये नंबर्स क्या हो रहे हैं ना, ये नंबर्स न रिपीटेड हो रहे हैं और न ही ये क्या हो रहे हैं? टर्मिनेटिव हो रहे हैं, इसलिए क्या है? इरेशनल। जैसे देखिए 1.01001001, हर चेंजिंग होते जा रहा है। नाउ वी स्टार्ट द मेन टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 1। यहाँ से हम चैप्टर 1 का जो मेन थ्योरेटिकल है उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। यही से आपका मेन चैप्टर वन स्टार्ट हो रहा है, जो आपका 10 क्लास का है। इस थ्योरी बेस्ड ऑन क्लास 10। ये तो जो हमने बताया रेशनल इरेशनल, ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 9 क्लास में आप पढ़े होंगे। ठीक है, इस टॉपिक से मैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स एक साइंटिस्ट का नाम था। डिवीजन डिवीजन होता है और लेमा मीन्स स्टेप्स होते हैं। सॉल्व करने के लिए, किसी भी चीज को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम काम करते हैं, उसी स्टेप को बोलते हैं लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स एक साइंटिस्ट का नाम था। डिवीजन डिवीजन किए और लेमा मीन्स स्टेप, इसीलिए इनका नाम दे दिया गया, एक नाम एक नेम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा।
इसके बारे में, इसके डिफिनेशन के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे ये होता क्या है इक्वली डिवीजन। व्हाट मींस इक्वली डिवीजन लेमा? इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर दे मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन a equal to bq plus r where r greater than equal to 0 and smaller than b. इसके बारे में देखिए क्या कर रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा। फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा वी टेक a एंड b टू पॉजिटिव इंटीजर्स वेयर a equal to bq plus r। इसका मतलब देखिए क्या होता है, a का मतलब क्या होता है, a इसको बोलते हैं डिविडेंड को बोलते हैं, B किसको बोलते हैं डिवाइजर को बोलते हैं, Q को उसके बोलते हैं पोटेंट को बोलते हैं, और R किसको बोलते हैं रिमाइंडर को बोलते हैं। ये दिए थे यूक्लिड डिवीजन लेमा A इक्वल टू BQ प्लस R। इसका मतलब ये होता है कि इसको बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू पोटेंट प्लस रिमाइंडर। लेकिन इनका एक कंडीशन जहां पर क्या होगा, वेयर रिमाइंडर, ये जो क्या होते हैं ना कि ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमेशा जीरो से या तो बड़ा होगा या जीरो पे क्या होगा, जीरो से या तो बड़ा होगा या जीरो का के बराबर होगा, इक्वल होगा। लेकिन बी, बी मीन्स डिवाइजर, डिवाइजर से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ये किनका था, यूक्लिड डिवीजन लेमा। आर यू ओके? वी ऑलरेडी नो दैट डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू पोटेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक इसी पर इन्होंने बताया और ये कंडीशन रखा। इस कंडीशन को याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। When we divide A by B, then we get Q as potents and R as remainders. When we divide A is, when A is divisible by B, when A is divisible by B, then we get Q as potents and R as remainders. So it also follow. Then after we arrange it, A dividend, B divisor, Q potents, R. Are you okay? By Euclid's division lemma, by Euclid's division lemma, आप तो समझ गए होंगे Euclid's division lemma क्या है? A equal to BQ plus R, where A means dividend, B means divisor, Q means potent, or R means remainder. Now we take एक example, we learn it by examples. हम इसको एक example के through क्या करेंगे, समझेंगे ये क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनिएगा, इसी पर बहुत सारा आपका मैथ्स बनेगा चैप्टर वन का, ठीक है। अगर इसे ध्यान से सुनिएगा, चैलेंज है, दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसको ध्यान से सुनना है। वी टेक ए इक्वल टू 45, ए मीन्स वी टेक डिविडेंट इक्वल टू 45। हमने यहाँ क्या ले लिया, डिविडेंट को 45 ले लिया, और डिवाइजर बी मीन्स डिवाइजर, क्योंकि ए मीन्स डिविडेंट, बी मीन्स डिवाइजर, क्यू मीन्स पोटेंट, आर मीन्स रिमाइंडर, और डिवाइजर को कितना ले लिया, 6 ले लिया। तो ये रूल के अनुसार a इक्वल टू bq प्लस r, इसके ये करेंगे हम। सबसे पहले फर्स्ट वी, फर्स्ट a इज डिवाइड बाय b, सो यू कैन से दैट 45, व्हेन 45 इज डिवाइड बाय 6, जैसे ही हम 45 को 6 से डिवाइड करते हैं, 7 टाइम्स में करता है, वी गेट 7 as potent एंड 3 as remainder, देन वी राइट इट as here dividend is 45, यहाँ पर dividend आपका कितना है 45 है, divisor कितना है 6 है, quotient कितना है 7 है, और remainder कितना है 3, are you okay? लेकिन Euclid division lemma इसी को बोलते हैं, ये rule। यहाँ पर आप एक और चीज देखना, कभी भी ये जो remainder है, ये जो remainder 3 है आपका, ये हमेशा 0 से क्या है, बड़ा है, 0 से या तो बड़ा हो सकता है, equal हो सकता है। लेकिन आप एक और चीज देखो, ये जो डिवाइजर है बी है, बी से हमेशा क्या है, छोटा है। यही चीज को हम बताए थे आपको ऊपर में, ऊपर में देखिएगा, ये सेम चीज को ये बताया था, यही चीज को हमने यहाँ एक्सप्लेन किया था। ये बोला कि हरदम जो रिमाइंडर्स होते हैं ना, ठीक है, रिमाइंडर्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो बट स्मॉलर देन बी, इट मीन 6, ठीक है। आर यू ओके? ये देखिए, ये आपका चैप्टर वन का फर्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर वन का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 125 एंड 45 बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। हमने यहाँ पर क्या निकालेंगे, आप एचसीएफ तो पहले भी निकाले होंगे, लेकिन यहाँ पर हम एचसीएफ निकालेंगे 125 और 45 के, लेकिन किससे,
यूक्लिड डिवीजन लेमा से, बहुत आसान सा है, सिंपल सी है। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि लेमा का मतलब होता है स्टेप, स्टेप बाय स्टेप हम इसको लिखते चलेंगे, जैसे हम पहले किए हैं वैसे ही करेंगे। व्हेन 125 डिवाइड बाय 45, जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं 125 को 45 से, तो यहाँ पर हम क्या पाते हैं 35 रिमाइंडर एंड 2s कोटेड। लेकिन एक और बात हम सोचेंगे, जब तक पूरी तरह से ये कट नहीं जाता है, ठीक है, तब तक हम इसको स्टेप बाय स्टेप केस 1 केस 2 केस 3 करके लिखते चल जाए। ठीक यही चीज को हमने लिखा, एक जगह पे कितना लिखा, a इक्वल टू bq प्लस r होता है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा से। यहां पर 125 को लिख लिए, ये 45, ठीक है, b ये आपका q हो गया 2 और ये आपका r हो गया ये, ठीक है, उसी तरह से ये तो पूरी तरह से कंप्लीट। अब हम केस 2 लेंगे, केस 2 में क्या लिखेंगे, ये जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर कितना है आपका 35, ये रिमाइंडर, ठीक है, ये जो 35 आया, ये 45 को हम किससे क्या करेंगे, 35 से डिवाइड करेंगे। ठीक उसी तरह हमने केस 2 लिया और केस 2 में व्हेन 45 पे डिवाइड बाय 35 देन वी गेट 10 एज रिमाइंडर एंड 1 एट कोसेक। जैसे ही हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमने क्या पाया कि 10 को रिमाइंडर और इसको क्या पाया हमने कोटेंट पाया। ठीक है, ठीक उसी तरह इसको अरेंज करेंगे, 45 डिविडेंड की जगह लिखेंगे 35, क्या लिखेंगे, क्या है आपका डिवाइजर आया है, ये क्या आया कोटेंट आया और ये क्या आया रिमाइंडर, वही रूल फॉलो कर रहा है, a इक्वल टू bq प्लस r, यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉलो कर रहा है। लेकिन अभी भी कंप्लीटली कट नहीं रहा है, फिर एक स्टेप और जाएंगे, केस जाएंगे केस 3, स्टेप बढ़ते जाएंगे। अब ये 10 हो गया, अब इसको किससे करेंगे 35, आप तो ऐसे जानते होंगे कितना टाइम में क्या था 3, हमने कितना पाया 5, हमने क्या पाया रिमाइंडर और 3 क्या पाया 14। ठीक उसी तरह अरेंज करेंगे 35 इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 5, ठीक है, 10 क्या हो गया यहाँ पर डिवाइजर, 3 क्या हो गया कोटेंट और 5 क्या हो गया रिमाइंडर और 35 क्या हो गया आपका डिविडेंड हो गया। नेक्स्ट हम जाएंगे केस 4, ये तो कम्प्लीटली नहीं ना कटा है, 5 को 10 से करेंगे तो कितना टाइम में जाएगा 2 टाइम में जाएगा। अब ये 2 टाइम में आपका क्या हो गया कट गया, यहीं पर हम स्टॉप हो जाएंगे, स्टॉप होकर यहाँ लिखेंगे हियर 10, 10 मीन्स डिविडेंड ए हो गया इक्वल टू बी, बी मीन्स डिवाइजर, बी कितना हो गया 5, क्यू मीन्स कोटेंट, कोटेंट कितना हो गया 2 और रिमाइंडर कितना हो गया 0। आर यू ओके, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1 का, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको ठीक उसी तरह से बताएंगे, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा रूल कोई चीज, ठीक जो बताया है यूक्लिड डिवीजन लेमा पे ही हम इसको क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। ठीक है, सो दैट एनी पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको पॉजिटिव और इंटीजर, सॉरी यहाँ इंटीजर भी स्प्रिंट हो गया, इसको आप इंटीजर यहाँ लिख लेना, सो दैट एनी और पॉजिटिव इंटीजर इन ऑफ द फॉर्म 6q+1 6q+3 यहाँ होगा, ठीक है 6q+5 बोल रहा है कि ये जो भी ऑड इंटीजर दिए हुए हैं, क्योंकि 1 क्या है आपका ऑड है, 3 भी ऑड है और 5 भी क्या है ऑड है, इसको प्रूव करना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ जो 6q+1 के फॉर्म हो, 6q+3 के फॉर्म हो, 6q+5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। यहाँ पर एक और चीज को हम ध्यान देंगे कि 6 क्या हो गया आपका, तो 6 ठीक वही है a इक्वल टू bq प्लस r, तो 6 हो गया आपका डिवाइजर, ये क्या हो गया आपका पोटेंट और ये क्या हो गया रिमाइंडर, उसी तरह से इसमें क्या हो गया आपका बताइए डिवाइजर क्या हो गया 6 हो गया क्यू पोटेंट और 3 क्या हो गया रिमाइंडर, ठीक उसी तरह से डिवाइजर 6 हो गया क्यू पोटेंट और 5 क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। अब इसको देखिए हम प्रूफ करना चाहते हैं कि इसको कितना आसानी से हम प्रूफ करेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही प्रूफ करना है इसमें, क्योंकि उसी पर याद है बहुत सारे क्वेश्चन है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, वी नो दैट a इक्वल टू bq प्लस r, वेयर a मींस डिविडेंड, b मींस डिवाइजर, q मींस कोटेंट और r मींस रिमाइंडर, अब तो याद भी हो चुका है, इतना बार बोल चुके हैं, वेयर r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन b, b से क्या होना चाहिए r हमेशा छोटा होना चाहिए, b से r हमेशा क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, लेकिन 0 से बड़ा होगा या इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने ये लिखा, सेकंड स्टेप में हमने क्या लिखे इफ b इक्वल टू 6, क्योंकि देखिए ऊपर हम जाते हैं क्वेश्चंस में, आपका क्वेश्चंस में b इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, सर b डिवाइजर दिया हुआ है, b इक्वल टू आपका 6 दिया हुआ है क्वेश्चंस, ठीक है, इसीलिए हम यहां b क्या लेंगे b इफ b इक्वल टू 6, क्योंकि गिवन दिया है या b इक्वल टू 6 गिवन इन योर क्वेश्चंस, देन a इक्वल टू bq प्लस r होता है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, सो वी कैन राइट इट एज
राइट, देन ए इक्वल टू, अब बी की जगह पे क्या लिखेंगे, सिक्स, क्यू मीन्स पोटेंट प्लस आर, वेयर ये तो याद भी हो गया होगा, वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड स्मॉलर देन बी, यहाँ पर बी कितना हो गया, सिक्स हो गया ना, क्योंकि अभी हमने बी कितना लिया है, सिक्स, क्योंकि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बी देखिए, बी क्या होना चाहिए, रिमाइंडर से क्या होना चाहिए, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए, तो बी कितना है, सिक्स है, तो यहाँ पर हम कितने नंबर ले सकते हैं, सिक्स से, तो सिक्स से छोटा क्या लेंगे, जीरो ले सकते हैं, आर क्या हो सकता है, रिमाइंडर क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, फाइव हो सकता है, यहाँ सिक्स नहीं लिखेंगे, गलती से क्या, सिक्स को एक कर दीजिएगा, ठीक है, ये रूल फॉलो है, जीरो ले सकते हैं, वन ले सकते हैं, टू ले सकते हैं, थ्री ले सकते हैं, फोर और फाइव, क्यों, क्योंकि ये आपका ये यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। आर यू ओके? सो ए कैन बी सिक्स क्यूब प्लस जीरो, अब सिक्स क्यूब और आर के जहाँ पे क्या, क्योंकि जीरो से शुरू होता है जीरो, सिक्स क्यूब प्लस वन, सिक्स क्यूब प्लस टू, सिक्स क्यूब प्लस थ्री और सिक्स क्यूब प्लस फोर और सिक्स क्यूब प्लस फाइव, ये हम ले सकते हैं, ये तो लिखने में कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसको ठीक जैसे क्वेश्चन करता है वैसे हम चलेंगे इसको, ठीक है, जैसे कह रहा है ए कैन बी सिक्स क्यूब प्लस जीरो, क्योंकि हमने जीरो लिया रिमाइंडर को, तो इसमें वैल्यू को हमने क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो सिक्स क्यूब तो जैसे की तरह से, और आर के जहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो, फिर आर के जहाँ पे क्या हो जाएगा वन, फिर रिमाइंडर कितना ले लेंगे टू, फिर रिमाइंडर कितना ले लेंगे थ्री, फिर रिमाइंडर कितना ले लेंगे फोर, फिर रिमाइंडर कितना ले लेंगे फाइव, देयर फोर वी कैन से दैट ऑड इंटीजर कैन बी सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव, प्रूफ हो गया आपका, क्योंकि इसमें से आपको क्या बोल रहा है, ऑड इंटीजर बोल रहा है, तो ऑड इंटीजर क्या है, सिक्स क्यू प्लस वन है, ठीक है, सिक्स क्यू प्लस थ्री है, सिक्स क्यू प्लस फाइव है, ठीक है, तो यही चीज को भी प्रूफ हो गया, अगर आपसे इवेंट पूछेगा तो डरना नहीं है, ठीक इसी तरह से हम प्रूफ करेंगे, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका इवेंट हो जाएगा, लेकिन आपसे पूछा है क्या क्वेश्चन में, और तो ऑड ही करेंगे। आर यू ओके? अब देखिए, टू प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए बी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, टू प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ, उसमें तो स्क्वायर नहीं, इसमें स्क्वायर है, ठीक उसी तरह से बनेगा जैसे हम उसको कह रहे थे, of any positive integer in the form of 3m, 3m plus 1, where m is some integer. Same question है, आपको देखने से भी लग रहा होगा, किसमें करना है, 3m, 3m plus 1 और where m is some integer. Are you okay? हमने इसको ऐसे प्रूव कर रहे हैं, by Euclid division lemma, a equal to bq plus r. ये तो आप जानते हैं, याद भी हो चुका होगा, where r greater than equal to 0 and smaller than If, लेकिन आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए तो थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से, यहाँ पर बी के जगह क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है ना, तो बी कितना दे दिया आपका, थ्री दे दिया है, कोटेंट को क्या मान लिया है, एम ले लिया है, और वन दे दिया रिमाइंडर, उसी तरह से हम क्वेश्चन से बी का मान कितना करेंगे, थ्री करें हमने, ये बी इक्वल टू थ्री, तो ओ आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड स्मॉलर देन थ्री, तो आर का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी से क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए, तो R का मान बताइए 3 से छोटा क्या क्या होगा, पॉजिटिव लेना है तो O से पॉजिटिव शुरू होगा, 0, 1, सॉरी 0 से शुरू होगा, पॉजिटिव लेना है तो 0, 1 और 2, ठीक है, क्योंकि R का मान हमेशा 3 से तो छोटा होना चाहिए, देन A इक्वल टू 3Q प्लस 0, 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2, आर यू ओके, क्योंकि R का मान हमेशा क्या होना चाहिए, 3 से छोटा लेना है आपको, तो 0 से शुरू होगा पॉजिटिव, फिर 1 होगा और फिर क्या हो गया, a equal to 3q plus 0, 3q plus 1 और 3q plus 2. अब देखिए 1 में जाएं. If a equal to 3q plus 0, क्योंकि हमने पहले लिया इसको, लेकिन questions में आपको क्या कर रहा है? Square कर रहा है ना? तो हम दोनों साइड क्या करेंगे? Square करेंगे. तो a square equal to 3q plus 0 का square करेंगे. तो 3q plus 0 को हमने जब जोड़ेंगे तो 3q होगा और 3q का square कितना होगा? 9q square. अब यहाँ पर आप बताइए इसको break तो कर सकते हैं ना? ठीक है, क्योंकि आपको 3m तो प्रूफ करना है ना, तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे, स्क्वायर में थोड़ा सा यही पर थोड़ा सा ध्यान देना है यही पर, तो 3 इसमें हम कॉमन लेते हैं सीधे, हम अगर स्क्वायर बोलेगा क्यूब बोलेगा तो आप कॉमन लेना शुरू कर देना, तो 3 यहाँ कॉमन ले लिए तो 3 इंटू क्या बचा, इसमें से 3 ले लिए तो 3 ले लिए कॉमन, तो 3 क्यू स्क्वायर बचा, क्योंकि क्यू स्क्वायर तो है अब 3, ठीक है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कर लिया ना कि 3q स्क्वायर को क्या मान लिया, m मान लिया, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर, वेयर m इज एन इंटीजर, क्योंकि m हमने इसको क्या कर लिया, m ले लिया, क्योंकि प्रूव करना है ना 3q स्क्वायर टू m, ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे ही हम करना। अब यहां पर क्या होगा, 3 हमने इसको क्या माना, m माना, तो कितना हो गया 3m,
ठीक उसी तरह से हमने थ्री क्यू प्लस वन को लिया है ना, थ्री क्यू प्लस वन, उसी तरह बोर्ड साइड क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू थ्री क्यू प्लस वन का स्क्वायर, क्योंकि देखिए इसमें आपको कहाँ तक करना है, थ्री क्यू प्लस टू तक करना है, क्योंकि थ्री से तो छोटा ये होता है ना, स्क्वायर करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही किया ए है ये और इसको बी मान लिए, तो ए स्क्वायर थ्री के स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री क्यू इंटू वन टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर नाइन क्यू स्क्वायर प्लस सिक्स क्यू प्लस वन हो जाएगा। अब इसमें से हम बताया ना कि स्क्वायर करना हो या क्यूब करना, कभी भी आप कॉमन, एक बात दिमाग में रखना कॉमन लेना, ठीक है, आप कॉमन वैसा लीजिए कि आपको जो प्रूफ भी हो जाए, क्योंकि हमें m तो हम प्रूफ कर दिए 3m, अब हमें 3m प्लस 1 करना है, तो 3 यहां से कॉमन ले लिया 3, क्योंकि सब में तो 3 कॉमन ले सकते हैं ना, तो ये दोनों में हमने कॉमन ले लिया 3, तो 3 कॉमन ले लिया तो कितना हो गया 3q पावर 2 प्लस 2q, और ये तो 1 तो है, ये 1 जैसे है वैसे ही 1। यहाँ पर हमने क्या कर लिया कि ब्रैकेट के अंदर में जो भी है, कभी भी स्क्वायर और क्यूब का करना होगा उसको क्या मान लीजिएगा आप, m मान लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। लेकिन लास्ट बचा हुआ क्या, इफ a इक्वल टू 3q प्लस 2, ठीक है, देन वी गेट a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक उसी तरह से सेम क्वेश्चन है, a इक्वल टू 3q प्लस 1, इसी तरह स्क्वायर करेंगे, तो ये a, ये b, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर प्लस 3q, ठीक उसी तरह से जो हम पहले बता चुके हैं। अब a इक्वल टू 3q प्लस 2, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर, वेयर 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर पे, ठीक है, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। इसमें भी हम क्या करेंगे ना कि क्या कर लेंगे हम, आपको क्या बताया था कि इसमें भी आप क्या ले लेना, तो क्या ले लेना है आपको बताइए, क्या लेना है, बताया ना कि हरदम कॉमन्स लेने हैं, क्यूब या स्क्वायर का हो, इसमें भी हमने क्या किया कॉमन ले लिया ये दोनों से, तो 3 ले लिया कॉमन, तो कितना बचा 3q स्क्वायर 4q प्लस 1, तो क्या हो गया 3, इसको क्या मान लिया ब्रैकेट के अंदर कभी भी होगा इसको m मान लेंगे 3m प्लस 1। आर यू ओके फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m 3m प्लस 1। सो अब हम एंड करते हैं, इसके बाद आपको एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज हम हर जितने भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हर क्वेश्चन को खुद ही हम बना करके वीडियो डालेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आप इसको क्या कर लेना फेयर कर लेना, ठीक है, ये आपके एग्जाम में, और इस पर मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, इसी पर हर क्वेश्चन बनेगा।